कभी ना कभी आपको भी कोई ऐसी बात पता चली होगी, ऐसा एहसास हुआ होगा जो हमारे आसपास की दुनिया से परे है। हम दुनिया को अपने 5 ज्ञानेंद्रियों देखने, सूंघने, स्वाद, स्पर्श और सुनने से एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उन मोमेंट्स का क्या जब हम इन सबसे परे कुछ सेंस करते हैं। यह 6th सेंस का रियल्म है, एक इंट्यूटिव नोइंग जो हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से परे है। पूरी हिस्ट्री में दुनिया भर की कल्चर्स ने परसेप्शन के इस सबटल डिमेंशन को पहचाना है। इसे अक्सर गट फीलिंग, इनर वॉइस या अचानक से मिली इंसाइट के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। हालांकि 6th सेंस रहस्यमय लग सकता है, ये एक ऐसी फैकल्टी है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है, एक्सप्लोर और अंडरस्टूड होने की प्रतीक्षा कर रही है। लॉजिक और रीजन के प्रभुत्व वाली दुनिया में 6th सेंस खुद को और ब्रह्मांड को गहराई से समझने के लिए एक ब्रिज प्रदान करता है। यह अनसीन को एक्सप्लोर करने और हमारी 5 इंद्रियों की सीमाओं से परे मौजूद संभावनाओं को अपनाने का निमंत्रण है। 6th सेंस का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। एंशियंट कल्चर्स लंबे समय से हमारे भीतर एक सबटल इंट्यूटिव फैकल्टी के अस्तित्व को पहचानती रही है। इंडिया में इसे प्रज्ञा के रूप में जाना जाता है। योगिक परंपराएं चक्रों की बात करती हैं, आज्ञा चक्र के साथ। एंशियंट ग्रीक्स डेल्फी के ओरेकल का उल्लेख करते थे, उसकी भविष्यवाणियां राजाओं और नागरिकों द्वारा डिसीजंस को गाइड करती थीं। ये एंशियंट ट्रेडिशंस हमें याद दिलाती हैं कि 6th सेंस ह्यूमन पोटेंशियल का एक इनहेरेंट पहलू है। जहां एंशियंट विजडम समझ का एक रिच टैपेस्ट्री प्रदान करती है, वहीं मॉडर्न साइंस 6th सेंस पर अपने पर्सपेक्टिव्स प्रदान करती है। न्यूरोसाइंस रिसर्च प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की भूमिका की ओर इशारा करता है, जो कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव बिहेवियर और इंट्यूटिव प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण है। स्टडीज से पता चला है कि इंट्यूशन रैपिड अनकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन के रूप में प्रकट होती है। क्वांटम फिजिक्स सुझाव देती है कि हमारी चेतना इंटरकनेक्टेड हो सकती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट और नॉन लोकैलिटी एक ऐसी वास्तविकता की ओर इशारा करती हैं जहां जानकारी तुरंत एक्सेस की जा सकती है। इंट्यूशन अक्सर ऐसी भाषा में बोलती है जो हमारे लॉजिकल माइंड से अलग होती है। ये डिडक्शन की लिनियर प्रोसेस नहीं है, बल्कि अचानक से आने वाला नोइंग, फीलिंग या हंच है। ये इनर वॉइस विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है, एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, बेचैनी की भावना या किसी व्यक्ति या स्थिति के प्रति एक अकथनीय आकर्षण या घृणा। अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए इन सबटल क्यूज को पहचानना और उनकी इंटरप्रेट करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपने इनर लैंडस्केप पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देना जो हमारा शरीर और दिमाग हमें भेजते हैं। अक्सर हमारी इंट्यूशन हमसे सपनों, प्रतीकों और सिंक्रोनिसिटीज, सार्थक संयोगों के माध्यम से बात करती है, जो हमें एक विशेष दिशा में मार्गदर्शन करते प्रतीत होते हैं। इनर स्टिलनेस और अटेंटिवनेस की भावना पैदा करके हम अपनी इंट्यूशन की भाषा को समझना शुरू कर सकते हैं, विजडम के एक ऐसे स्रोत तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हमारा मार्गदर्शन कर सके। सेक्शन 5, गट फीलिंग्स एंड प्रेमोनिशंस, मोर देन कोइंसिडेंस। हम सभी ने ऐसे मोमेंट्स का अनुभव किया है जहां एक गट फीलिंग ने हमें एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए प्रेरित किया जो बाद में सही साबित हुआ। हो सकता है कि आपको घर जाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाने की अकथनीय इच्छा हुई हो, केवल बाद में पता चला कि आपका यूजुअल पैथ एक एक्सीडेंट से ब्लॉक हो गया था, या हो सकता है कि आपने किसी विशेष जॉब ऑफर के प्रति एक सहज आकर्षण महसूस किया हो जो एक परफेक्ट फिट साबित हुआ हो। क्या ये अनुभव केवल संयोग हैं या गहरी वास्तविकता की झलकियां हैं, ये बहस का विषय बना हुआ है। सेक्शन 6, द 6th सेंस इन द एनिमल किंगडम। 6th सेंस केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। एनिमल किंगडम ऐसे जीवों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो असाधारण सेंसरी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, जो कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशंस को चुनौती देते हैं। बर्ड्स विशाल दूरी पर अनकैनी प्रिसिजन के साथ नेविगेट करते हैं, जो एक इंटरनल कंपास द्वारा निर्देशित होते हैं, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है। शार्क्स अपने शिकार द्वारा उत्सर्जित फेंटेस्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का पता लगा लेते हैं, जिससे वे गंदे पानी में भी उल्लेखनीय सटीकता के साथ शिकार कर पाते हैं। ये उदाहरण प्रदर्शित करते हैं कि प्राकृतिक दुनिया अजूबों से भरी है, जो बायोलॉजी और परसेप्शन की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देते हैं। एनिमल किंगडम को ऑब्जर्व करके और उनसे सीखकर हम सेंसरी संभावनाओं के विशाल स्पेक्ट्रम के लिए गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 7, कल्टिवेटिंग योर इनर कंपास। अपनी 6th सेंस को डेवलप करना सुपरनैचुरल पावर्स की तलाश के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी परसेप्शन को निखारने और अपने आसपास के सूक्ष्म संकेतों और संकेतों के प्रति अधिक जागरूक होने के बारे में है। यह एक इनर स्टिलनेस,
एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां हमारे विचारों और भावनाओं के शोर के बीच इंट्यूशन की फुसफुसाहट सुनी जा सके। मेडिटेशन, योगा और नेचर में समय बिताना शक्तिशाली अभ्यास हैं जो माइंड को शांत करने और हमारी इंट्यूटिव क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। स्टिलनेस और ऑब्जर्वेशन के लिए जगह बनाकर हम अपने इनर लैंडस्केप के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, सूक्ष्म संवेदनाओं, भावनाओं और अंतर्दृष्टि को देखते हुए जो उत्पन्न होती है। जिस तरह हम अपने फिजिकल बॉडी को मजबूत और अधिक लचीला बनने के लिए ट्रेन करते हैं, उसी तरह हम लगातार अभ्यास और माइंडफुल अटेंशन के माध्यम से अपनी इंट्यूटिव फैकल्टीज को विकसित कर सकते हैं। सेक्शन 8, द सिक्स्थ सेंस एंड डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन और चॉइसेस से भरी दुनिया में हमारी इंट्यूशन एक वैल्यूएबल कंपास का काम कर सकती है, जो हमें उन डिसीजंस की ओर गाइडिंग करती है जो हमारे डीपेस्ट वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हैं। जबकि लॉजिक और रीजन विश्लेषण और योजना बनाने के लिए आवश्यक उपकरण हैं, इंट्यूशन एक अधिक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव प्रदान करती है, उन कारकों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए आसानी से स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। जब किसी डिफिकल्ट डिसीजन का सामना करना पड़े तो अपने शरीर के विजडम को ट्यून करने का प्रयास करें। किसी भी संवेदना, भावनाओं या गट फीलिंग्स पर ध्यान दें जो विभिन्न ऑप्शंस पर विचार करते समय उत्पन्न होती हैं। अक्सर हमारा शरीर हमें सूक्ष्म संकेत भेजेगा जो हमें उन विकल्पों की ओर गाइडिंग करेगा जो हमारी डीपेस्ट आवश्यकताओं और इच्छाओं के साथ रेजोनेट करते हैं। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखकर हम खुद को ऐसे चॉइसेस करने का अधिकार देते हैं जो न केवल लॉजिकल हों बल्कि हमारे ऑथेंटिक सेल्व्स के साथ भी गहराई से जुड़े हों। सेक्शन 9, द सिक्स्थ सेंस इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहां हम पर इंफॉर्मेशन और स्टिम्यूली की बौछार हो रही है, अपनी सिक्स्थ सेंस को विकसित करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। न्यूज, सोशल मीडिया और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का लगातार हमला हमें ओवरवेल्म्ड और अपनी इनर विजडम से डिसकनेक्टेड महसूस करा सकता है। अपनी इंट्यूशन को डेवलप करके हम इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को अधिक स्पष्टता और पर्पस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। हमारी सिक्स्थ सेंस हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड और जेन्युइन इनसाइट्स के बीच अंतर करने में मदद कर सकती है जो हमें नॉलेज और कनेक्शन के स्रोतों की ओर गाइडिंग करती है जो हमारी आत्माओं को पोषित करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर एक्सटर्नल को प्राथमिकता देती है, हमारी सिक्स्थ सेंस को विकसित करने से हम अपने इनर कंपास के साथ फिर से जुड़ सकते हैं, केओस के बीच ग्राउंडिंग और डायरेक्शन पा सकते हैं। सेक्शन 10, एम्ब्रेसिंग द अननोन। सिक्स्थ सेंस हमें अननोन को अपनाने के लिए यह स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करती है कि जीवन में आंखों से मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक है। यह एक रिमाइंडर है कि हम जीवन के एक विशाल और इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा है और यह कि हमारी इंट्यूशन एक ऐसा धागा है जो हमें ब्रह्मांड के विजडम से जोड़ता है। क्यूरियोसिटी और ओपननेस की भावना के साथ जीवन का सामना करके हम अपनी वाइल्डेस्ट कल्पना से परे संभावनाओं की दुनिया के लिए खुद को खोलते हैं। सिक्स्थ सेंस कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, हमारे अपने अस्तित्व और उस ब्रह्मांड के रहस्यों की एक सतत खोज है जिसमें हम रहते हैं। जैसे जैसे हम इंट्यूशन और परसेप्शन के क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं, हमें आश्चर्य, जादू और अनंत क्षमता से भरे ब्रह्मांड की खोज होती है। सिक्स्थ सेंस कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित उपहार नहीं है बल्कि उन सभी के लिए एक जन्मसिद्ध अधिकार है जो अपने अस्तित्व के हिडन डायमेंशंस का पता लगाने की हिम्मत करते हैं।